बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईटीआई टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। वी विश यू फैबुलसली पीसफुल डे टुडे एंड ऑलवेज। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेमन के बारे में। नींबू हमारे हर खाने में, हर सलाद में और तकरीबन काफी सारे मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी अफादियत कितनी है वो हम आपको बताएंगे और इससे क्या क्या ऐसे काम आप कर सकते हैं जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। तो वीडियो को देखिए एंड तक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। यूं तो नींबू अपने अंदर बेशुमार खासियतें रखता है और माहिरीने तिब इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं, लेकिन आज हम आपको इसके बहुत से डिफरेंट फायदे बताएंगे। ये तो आप सब जानते हैं कि नींबू के रस में होता है बहुत सारा विटामिन सी और इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, जो कि इंसान के जिस्म में यूरिक एसिड को खत्म करता है। और विटामिन सी स्किन के लिए कितना अच्छा और जरूरी होता है ये भी हम सब तकरीबन जानते हैं। तो दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरत होगी कि ये मच्छरों का दुश्मन है। मच्छरों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसे। नींबू को काट कर इसके आधे हिस्से में कुछ लौंग रख कर कमरे में रख दें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मच्छर गायब हो जाएंगे। इसे रूम फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है अगर इसे गुलाब के अर्क या वनीला एसेंस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो। पानी के साथ नींबू मिलाकर पिया जाए तो ये जिगर की रतूबत को खत्म करता है और इसकी वजह से आपका निजामे हाजमा बहुत अच्छा करता है और ये जिस्म के अंदर मौजूद बहुत से निजाम को बेहतर बनाता है। सुबह बगैर कुछ खाए पिए एक कप गर्म पानी में एक नींबू मिलाकर पीना जिस्म के अंदर की सफाई करता है, जिससे जिस्म में मौजूद जहरीला मवाद खारिज हो जाता है, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत ही बेस्ट लेवल तक ले आता है। अगर आप सेब और एवोकाडो को ताज़ा रखना चाहते हैं तो इस पर नींबू के कतरे डाल दें तो ये बहुत देर तक ताज़े रहेंगे, यानी कि इनका रंग ब्राउन नहीं होगा। जिन लोगों को सर में दर्द रहता है वो इसके दो टुकड़े काट कर बारीक आग पर सेक ले और पेशानी पर टकोर करने के लिए रख दें, इससे सर दर्द भी खत्म हो जाता है। जब आपको मतली हो रही हो तो भी नींबू को काट कर इसके ऊपर नमक छिड़क के चाटने से मतली बंद हो जाती है। और भी ढेरों फवायद हैं इस बेहतरीन से फल सब्जी, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, क्योंकि कई जगह पे इसको फल और कई जगह पे इसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और सलाद पर इसको छिड़क देने से आप सैलड के फवायद के साथ साथ विटामिन सी का भी फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।